एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और पॉप सिंगर निक जोनस सरोगेसी की मदद से पेरेंट्स बन गए हैं। इस बात की जानकारी प्रियंका ने खुद शुक्रवार देर रात सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर की। हालांकि एक्ट्रेस को बेटा हुआ है या बेटी, इस बात की जानकारी उन्होंने पोस्ट में नहीं दी। यूएस की वेबसाइट यूएस वीकली की रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रियंका बेटी की मां बनी है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स के अनुसार प्रियंका की बच्चे का जन्म डॉक्टर द्वारा दी गई डेट से 12 हफ्ते पहले ही हो गया। कपल का बच्चा लॉस वेगास के बाहरी इलाके सर्दन कैलिफोर्निया के एक हॉस्पिटल में हुआ है। प्रीमैच्योर डिलीवरी के कारण बच्चा कुछ कमजोर है। निक प्रियंका ने यह फैसला किया है कि जब तक बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो जाता तब तक वह अस्पताल में ही रहेगा। प्रियंका ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि यह बताते हुए हम खुश हैं कि हम सरोगेसी के जरिए अपने जीवन में एक बच्चे का स्वागत कर रहे हैं। हम अपने परिवार के लिए आपसे सम्मान पूर्वक आग्रह करते हैं, इस खास समय में हमारी प्राइवेसी का ध्यान रखें। प्रियंका चोपड़ा ने द जोनस ब्रदर्स फैमिली रोस्ट शो के दौरान निक के साथ बेबी प्लानिंग के बारे में कुछ बातें कही थी। निक के भाइयों का उदाहरण देते हुए शो में मजाक में कहा, हम इकलौते ऐसे कपल हैं जिनके अभी तक बच्चे नहीं हुए हैं। यही वजह है कि आज मैं सबके सामने बताना चाहती हूँ कि मैं और निक बेबी प्लान कर रहे हैं। इसके बाद प्रियंका ने कहा, मैं बेबी सीट नहीं करना चाहती। बता दे, प्रियंका निक ने 2 दिसंबर 2018 को उदयपुर में हिंदू क्रिश्चियन रीति रिवाजों से शादी की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।